नमस्कार, पेट केयर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे दो वेटरनरी एक्सपर्ट्स। आइए जल्दी से उनसे भी आपका परिचय करवा दें। हमारे पहले वेटरनरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आरटी शर्मा। डॉक्टर आरटी शर्मा जाने माने पशु चिकित्सक होने के साथ साथ प्रेजिडेंट हैं पॉज यानी पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के, और ये संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है पेट्स के वेलफेयर के लिए। डॉक्टर आरटी शर्मा, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दूसरे विशेषज्ञ मेहमान हैं डॉक्टर अजय सूद, और डॉक्टर अजय सूद भी जाने माने वेट होने के साथ साथ प्रेसिडेंट हैं सावा यानी स्मॉल एनिमल वेटरनरी एसोसिएशन के, और इनकी संस्था भी काफ़ी योगदान दे रही है। डॉक्टर अजय सूद, कार्यक्रम में आपका भी हार्दिक स्वागत है। वैसे तो कार्यक्रम के दौरान पेट केयर संबंधी कई बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन यदि इसके अलावा आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो अपने पेट्स को लेकर, तो आप बेहिचक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके लिए आपके पास हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर होना बेहद ज़रूरी है, तो जल्दी से नोट करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 2309753230975322। यदि दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं, तो कृपया से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज हम अपने पेट्स के बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे। बिहेवियर कह लें, बिहेवियर बीमारी की शक्ल भी ले सकता है, आदतें कह लें, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी किस पर आती है? ओनर पर। बच्चे बड़े होकर कैसे बिहेव करते हैं, ये उनके पेरेंट्स पर ही निर्भर करता है। तो आज के कार्यक्रम में ख़ास तौर पर चर्चा करेंगे अपने पेट्स के बिहेवियर्स पर, लेकिन उसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो फिल्म देखनी बेहद ज़रूरी है। उससे आपको डिफरेंट ब्रीड्स के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में जैसे वो बिहेव करते हैं, उसे देखकर समझने में आसानी रहेगी। डॉक्टर आरटी शर्मा, अब जैसे ये इस पोज में लेटे हुए हैं जनाब, जस्ट रिलैक्सिंग जी, अब एक पार्क में, और एक किसी को शायद किसी ओनर ने मार्किंग हिज टेरिटरी, जी जी जी, डोमिनेंस, ही शोइंग हिज अग्रेशन। ये जो खास बिहेवियर है, ये मैंने मैं कहूंगा कि हर पेट में देखने को मिलती है कि अपने करने के बाद अपना स्कूल कवर करते हैं कि दूसरा एनिमल उसको डिटेक्ट ना कर पाए कि मैं यहाँ पे हूँ, और एक इंस्टिंक्ट रहता है। जी जी जी, अभी ये जो दूसरा आपने पोस्टर देखा था कि जैसे लुक्स लाइक ही इज सिक, मुझे लगता है ज्यादा रिलैक्स है वो, अपना खाना वाना खा के आराम से मिला तो बहुत। और ये जो बच्चा भी गाड़ी में से झांक रहा था, इनको भी काफ़ी शौक होता है डॉक्टर सूद गाड़ी में बैठने का, घूमने का? नहीं, डेफिनेटली बहुत होता है, पर जैसा कहते हैं कि गर्मी में गाड़ी में लॉक मत किया करें, ये डेंजरस होता है। 10 मिनट के भी पेट को ब्लॉक कर दिया तो कैन रिजल्ट इन दैट। जी जी, और देखिए अब यही है कि कोई भी डॉग आप देखें कि गोल घूम के अपनी एरिया साफ करके बैठता है, कोई भी डॉग गंदगी में नहीं बैठता इवन इन जंगल। और ये जो ये दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, जो भी अपनी टेल कैच करने की कोशिश कर रहा है, दिस कैन बी डेफिनेटली प्रॉब्लम। एनल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ कुछ डॉग्स में बैड हैबिट होती है बिकॉज हाइपोथैलेमस में कहीं गड़बड़ होता है उसकी वजह से, तो वो आपको डॉक्टर उसको चेक करके बताएंगे। जी, अब ये एक रिएक्शन दे रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, इससे बहुत लगता है बहुत इंटेलिजेंट है और हमारी लैंग्वेज समझ के आगे से बातचीत करने में कोशिश कर रहे हैं। वो बोलता है कि भाई ये घास खा रहा है, देखिए ये जो घास खा रहा है ये काफी ओनर्स अलाउ करते हैं, विच शुड नॉट बी अलाउड नाउ। पुराने जमाने में तो घास खा के आराम मिलता था, पर इस तरह के हमारी घास जो अवेलेबल है उससे बीमारी ही पैदा होती है। फिर डॉग घास करके उल्टी करता है, और उल्टी करके डॉग को तो लगता है कि मैं वोमिट हुई है, रिलीफ हो गया, पर कई बार होता है कि वोमिट जो घास खाई है उसके साथ कुछ गलत चीज अंदर चले जाती है, एज अ रिजल्ट डॉक्टर के टेबल पर लैंड कर जाता है। जी, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि ये कोई सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, कोई कुदरत ने नहीं ऐसा कहा कि घास खाने से हमारे जो पेट्स हैं उनका पेट साफ हो जाएगा। डॉक्टर अजय, आप ये बताएं कि बिहेवियर को जज करना बड़ा मुश्किल होता है एक ओनर के लिए, क्योंकि बिहेवियर अगर बच्चा भाग रहा है कमरे में इधर उधर भाग रहा है तो अक्सर ये समझा जाता है कि खेल रहा है, लेकिन हो सकता है वो पेन में हो, उसको कोई इरिटेशन हो रही हो, तो ये जो डिफरेंस है आदत समझना और उसके पीछे छुपी बीमारी को समझना, कैसे डिफरेंशिएट करें, कुछ टिप्स दीजिए। देखिए अगर नया बच्चा है और आप पहली बार डॉग पाल रहे हैं तो हाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर आपके पास काफ़ी समय से है तो फिर तो उसके बिहेवियर चेंज में आपको समझ में आ गया। आजकल हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं कि डॉग रात को सोता नहीं है, परेशान रहता है, उठकर ओनर्स कहते हैं कि हमको वॉक पर ले जाते हैं, हाथ फेरते हैं तो ठीक हो जाता है, अल्टीमेटली कुछ नहीं है, फ्लीज हो रही है, कीड़े काट रहे, जुआ की तरह फ्लीज हो जाती है, बेचारा परेशान होता है। अब घर जब रेस्ट करके आते हैं तो वो भी उस समय सोने की कोशिश करता है जो सो नहीं पाता क्योंकि फ्लीज बाइट कर रही होती है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिहेवियर प्रॉब्लम विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड इनिशियली ऑन फोन। जब पेट्स हमारे पास आने लगे तब वी रियलाइज्ड कि ये कॉमन सिम्टम्स सबके साथ आ रहे हैं, फ्ली इन्फेस्टेशन।
दूसरी बात कि आप पपी घर पे लेके आते हैं तो हर बच्चे ने माँ से जुदा होना है, नए एरिया में है, तो वाइनिंग कॉमन है, रोता जरूर है जी। तो वो तो आप एक वाइनिंग जैसे 2-3 दिन हो जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि ये आपकी अटेंशन ग्रैप करने के लिए वाइन कर रहा है कि उसको कोई तकलीफ है जी। तकलीफ हम कोरिलेट करते हैं खाने से। अगर उसको खाना पीना छूट जाता है तो डेफिनेटली पैथोलॉजी है, कोई दिक्कत है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, भाई साहब आवाज़ें मार रहे हैं, तो इसका मतलब वो अटेंशन ग्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है। जी जी, चलिए शैलेश जी की कॉल लेते हैं। शैलेश जी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। जी शैलेश नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बताएं क्या सलाह चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट्स की। सर हमारे पास ना पमेलियन स्पीच है जी, तो उसकी अभी ब्रीडिंग हुई थी कुछ दिन से, तो उसको 2 बीच हुए थे और एक डॉग हुआ था। एज कितनी है? एज सर उसकी है अभी 1.5 मंथ की है जी। 1.5 मंथ की तो, बच्ची है। हाँ जी, तो सर जब वो जो एक बीच है ना, जब वो नहाती है ना या उसके सामने कोई और नहा लेता है ना, तो उसको फिर काटने लगती है, उसको छोड़ती नहीं है। हम बात किसी कर रहे हैं, बच्चों की माँ की बात कर रहे हैं कि वो 1.5 महीने के बच्चे नहीं, की जो बात बच्चा है सर, जो बीच है ना 1.5 महीने की। हाँ वो सर, वो अगर वो नहा लेती है, उसके सामने कोई और नहा लेता है ना, तो उसको गर्दन से पकड़ लेती है, उसको छोड़ती नहीं है। सर आपसे एक निवेदन है कि आप इन्हें बच्चा या बच्ची कह के ही बुलाएं सर, प्लीज। आपने भी बच्चों की तरह ही अडॉप्ट किया होगा ना इन्हें? हाँ जी, हाँ जी, बच्चा ही बोल रहा हूँ सर, बच्चा ही है, ये तो बेड पे ही रहते पर हैं। 1.5 महीने का स्पेट्स फीमेल बच्चा तो बहुत छोटा होता है, वो तो अपने आप को तो संभाल नहीं पाता है, वो बस आपसे खेलना चाहता है, नथिंग एल्स। नहीं सर, जो दूसरे बच्चे हैं उनको काटते हैं ना, जैसे इसके साथ वाला अगर इसके भाई को नहला दिया, इसके बहन को नहला दिया, तब या अपने इसके माँ को भी नहला दिया हमने, इसकी शैम्पू है अगर उससे नहला देते हैं तो अपने माँ को भी बाद में नहीं पहचानती है, उसको गर्दन से पकड़ लेती है। 1.5 महीने की उम्र बता रहे हैं आप? हाँ जी। इस एज में तो दांत भी नहीं, तो वही समझ नहीं आ रहा है कि वो माँ को गर्दन से नहीं पकड़ सकती, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। बस आप एक काम करो, एक बार अपने वेट से एक बार चेक करा लीजिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई नहा ले और उसकी स्मेल चली जाए। हमारे परफ्यूम्स जो हम लोग डॉग्स की यूज करते हैं डेफिनेटली काफी स्ट्रांग होते हैं, पर इतने स्ट्रांग नहीं होते कि डॉग की इननेट सेंस बॉडी की ओडर चली जाए, बच्चा पहचान नहीं। बच्चा ऐसी उम्र में 1.5 महीने में बच्चा डर जरूर जाता है, अटैक कर रहा है, दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन 1.5 महीने का बच्चा। तो आई प्रेफर कि आप एक बार वेट को दिखा दीजिए, और 1.5 महीने बच्चों को इतनी जल्दी नहलाइए मत, इतना छोटा बच्चा है, 15 दिन में 20 दिन में एक बार नहलाइए, बार बार उन्हें उल्टा ब्रश करिए। आप नहला चुके हैं, डोंट देम गिव देम एनी बाथ नाउ। मौसम भी चेंज हो रहा है, इस समय बीमार पड़ गए तो हमारे पास तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत सीजन चल रहा है, ऐसे में वॉमिटिंग और डायरिया लग गया तो आप फिर डॉक्टर के चक्कर काटते रहेंगे। इस समय सिंगल एक चक्कर लगाना है, डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए आपको। जी जी जी, शैलेश जी बताएं जी। डॉक्टर सूद, जैसे कि आज हम जो हमने सब्जेक्ट रखा है वो यही है, बिहेवियर। जी जी, मुझे लगता है कि इनको शायद, क्योंकि इतना छोटा बच्चा माँ के साथ खेलता है, टीदिंग उसकी होती है, माँ को ऐसे प्यार से वो करता है, शायद जी जी, तो ये हो सकता है कि ये तो आपको वेटरनरी एक्सपर्ट ही होता है। नॉर्मली लोगों में क्या होता है कि 1.5 महीने का बच्चा इनके दांत आने लगते हैं, तो ये माँ का जब दूध पीते हैं तो माँ को तकलीफ होती है जी। तो माँ ऐसे कई बार बच्चों को काट लेती, इरिटेट करके बच्चों को काट के अलग कर देती है कि हेलो मेरे को तकलीफ हो रही है जी, क्योंकि बच्चे के दांत आगे वो शक करता है तो तकलीफ देते हैं। तो माँ उल्टा 1.5 महीने बच्चे को अटैक कर सकती है। और नहाने का कोरिलेशन जो है वो बस चांस की बात है, इनको कहीं ना कहीं गलत फहमी हो रही है। आपकी और मेरी तो सहमति हो गई, डॉक्टर आरटी शर्मा की राय भी ले लेते हैं कि ये क्या केस हो सकता है, एक नेचुरल बिहेवियर है, बच्चा अपनी माँ के साथ लाड़ प्यार कर रहा, इनको लगता हो कि वो अग्रेशन में है। आप पेट ओनर्स मेरे साथ एग्री करेंगे, जब भी हम अपने पेट को बाथ देते हैं तो बाथ देने के बाद जब वो उसको सुखा देते हैं, जब ब्रशिंग करते हैं, तो थोड़ा साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि वी आर जस्ट केयरिंग फॉर देम, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, लाइक दे फील ए वेरी फ्रेशनेस इन द बॉडी, और फिर थोड़ा ओनर के साथ दे वांट टू प्ले, एक्साइट हो जाते हैं। तो लेकिन ये थोड़ा सा 1.5 महीने का बच्चा है, तो इसमें ऐसे अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो दैट मे बी ही दे आर यूजिंग एनी शैम्पू विच इज़ इरिटेबल ऑन द स्किन, तो इस स्किन के ऊपर इरिटेशन होगा, तो ये इधर अपना सिर मारेगा, कभी इधर घूमेगा, या अपने आप को खुजली करेगा, उस एंगजाइटी में थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकता है। तो एक तो वो देख लें अपने डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने डॉक्टर को जरूर दिखा लें, बिकॉज 1.5 महीने के डॉग अग्रेसिव होना इज़ नॉट ए नॉर्मल बिहेवियर, और दे शुड चेंज देयर शैम्पू और नहलाएं नहीं उससे,
लेकिन ऑल डिपेंड्स आप कैसे रेयर करते हैं उसको, तो उसका अभी बिहेवियर तो चेंज होना है, डेढ़ साल तक उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है। जी जी, तो देयर शुडंट वरी कि वो अग्रेसिव हो रहा है। जी चलिए, मिश्रा जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सर मैं एक बार डीडीसी बस से घर आ रहा था जी, तो लगभग यही शाम के 7:30 या 8:30 होंगे, तो फिर उसमें एक क्या कहते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे थे ट्रक से टकरा गए थे, तो उनके मतलब इंजरी हो गई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी जो कहते हैं परमिट है वो किस तरह से इनको सिक्योरिटी देती है, या हम किस तरह से इनको कहते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट कर सकते हैं इनके बारे में कि हाँ इनको भी सेफ्टी मिले, क्योंकि मैं उन्हें देख के ऐसा लगा कि मतलब बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन मेरे को। जी जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक होमलेस बच्चों के लिए इतने कंसर्न है। देखिए आपका कंसर्न बहुत अप्रिशिएबल है, आपको अगर ऐसा एपिसोड मिला है कि आप वो एक्सीडेंट हुआ है बच्चों को आप हेल्प करना चाहते हैं, ऐसे में कभी भी ऐसा डॉग आपको कोई नज़र आए जिसका एक्सीडेंट हुआ है या इंजरी है, तो उसको अपना आउट ऑफ एक्साइटमेंट या इमोशन एकदम उठाने नहीं जाएं। जब भी आप उसको उठाने जाएंगे वो एक तो पहले डरा हुआ है, ट्रॉमेटाइज है, आपको काट सकता है। अगर आपको काट लिया तो आप थोड़ा डिस आपको थोड़ा दिल में रहेगा कि आप इसको फिर कहीं दूर छोड़ देंगे। तो बेस्ट ये है आपके पास अगर कोई जैकेट है, कोई रुमाल है, कोई आपके पास टॉवल है, उसके ऊपर डाल के उसको साइड में ले जाएं, सड़क के साइड में। फिर आप आसपास जो कोई एनजीओज हैं या कोई ऐसा हॉस्पिटल है, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या वेटनरी कोई वेटनेरियन है, उनको आप फ़ोन कर सकते हैं। आपके पास ऐसा कोई मेडिसिन तो नहीं होगा, लेकिन अगर ब्लीडिंग है तो आप थोड़ा बैंडेज वहाँ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तो यू कैन सेव दैट लाइफ, लेकिन डायरेक्टली उसको पकड़े नहीं। और बहुत सी एनजीओज हैं, वो उनके पास एम्बुलेंस हैं, वो एम्बुलेंस भेज सकती हैं, फिर आप उनको अपने शेल्टर में ले जाती हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं फिर उनको फिर उस टेरिटरी में छोड़ देते हैं। डॉक्टर सूद भी धन्यवाद देना चाहते हैं। डेफिनेटली वही है, पर हमेशा ये ख्याल रखें कि हम लोगों को बेसिक डर लगता है कि जो डॉग होता है वो रैबिट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर डॉग सड़क का रेबिड हो, उसमें बीमारी हो, पर अपनी तरफ से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो बाइट है उसको तकलीफ से बाइट हो सकती है, उससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। जी सर, कोई और जानकारी? जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आरटी शर्मा, होमलेस की बात चली है तो उसी विषय पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो होमलेस होते हैं उन लोगों कई लोगों को उनसे बहुत से थ्रेट्स महसूस करते हैं। जो पेट ओनर है, पेट लवर हैं, उनको तो मालूम होता है कि इनसे कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जिन्होंने पेट नहीं रखे हुए या शौक नहीं है और उनको ये लगता है कि जो होमलेस हैं उनसे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि किस तरह के बिहेवियर को देख के हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर डॉग के अंदर रेबीज नहीं होती। सबसे पहले हम लोग डॉग से क्यों डरते हैं, उसको लगता है कि हमें काट लेगा, हमें रेबीज हो जाएगा, तो ह्यूमन नेचर है। तो इसलिए अगर डॉग नॉर्मल है, खाना खा रहा है, नॉर्मल अपने पैक में रह रहा है, दूसरी गाड़ियों को चेज कर रहा है या इधर उधर नॉर्मल वॉक के लिए घूम रहा है, कोई मुंह में से स्लाइवेशन नहीं हो रहा, तो दैट मींस दैट डॉग इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ही इज़ नॉट हैविंग एनी रेबीज। लेकिन अगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो डॉग से लाइक दे आर नॉट एनिमल लवर, लेकिन ऐसे एनिमल लवर हैं जो उनको खाना खिलाते हैं आपके घर के बाहर, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपने घर के बाहर खाना मत खिलाएं, थोड़ा सा अपने घर के दूर या सोसाइटी में एक ऐसी जगह बना लें अपने RWA से बात करके जहाँ पे सब लोग डॉग को फीडिंग करें। लेकिन आप अपने घर के बाहर खाना देने लग जाएंगे तो वो जो डॉग्स हैं जो घर के बाहर रहते हैं वो उस एरिया को गार्ड करने लग जाते हैं, तो वहाँ से कोई और बच्चा निकलेगा या कोई रैग पिकर निकल रहा है या कोई ऐसा आदमी है जिसको एनिमल लवर नहीं है, तो वो जब वहाँ से निकलते हैं तो वो लोग डॉग जो हैं उनको चेज़ करने लग जाते हैं, जब उनको चेज़ करते हैं तो वो डर के मारे भागते हैं, तो डॉग जब कोई भी मूविंग चीज़ है उसको पीछे अटैक करते हैं। तो इसलिए कभी आपको लगे डॉग आपको चेज़ करता है तो आप अपने हाथ पॉकेट में डाल के वहीं खड़े रहें, जस्ट सी इनटू द आईज ऑफ द डॉग एंड थोड़ा डॉग 2 मिनट में वहाँ से चले जाएगा। लेकिन डॉग अगर आपको चेज़ करता है वो भागे नहीं है, जितना आप भागेंगे उतना और रिटेलिएट करेगा, उतना और आपको वो काटने की कोशिश करेगा। तो ये बाकी अगर आपको लगे कोई ऐसा डॉग है जिसके मुँह में स्लाइवेशन हो रहा है, रैंडमली भाग रहा है, कभी उधर दूसरे डॉग को काट रहा है, कभी उसको काट रहा है, तो उसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाएं, अपने आसपास डॉक्टर से बात करें और उसको उस टेरिटरी से रिमूव करने की कोशिश करें। जो बच्चों को आदतें होती हैं जैसे वो बिहेव करते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी कि उनको शिक्षा कहाँ से मिली, और शिक्षा सबसे पहले मिलती है घर से यानी पेरेंट्स से या फैमिली से, उसके बाद स्कूल में शिक्षा शुरू होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले उत्तराखंड से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं, बड़ी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राम राम सर। जी राम राम जी। जी मैं जैसे अकेला रहता हूँ बिल्कुल, और
सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, तो एक अकेलापन सा लगता है। तो मैं एक पेट लेना चाह रहा हूँ, तो मतलब अच्छा खासा बड़ा लूँ या बिल्कुल नवजात लूँ, कुछ ऐसे आपसे जानना था। जी जी, आपके अलावा घर में और कोई नहीं होता क्या? जी नहीं, मैं मतलब मेरा पहले मैं ये अपने जयपुर में ही था, जी लेकिन जी अब मेरा ट्रांसफर हो गया है, जी तो मैं बिल्कुल ही मतलब अकेला सा ही हूँ। तो कोई अभी नहीं, अभी आपका अकेलापन डॉक्टर साहब दूर करेंगे। जी देखिए, जी पहली बात कि अगर हम पेट लेते हैं तो उसके खाने, बच्चे के खाने की जिम्मेवारी आती है। आप घर पे होंगे नहीं तो ये बच्चा भूखा रह जाएगा। नहीं, मैं जैसे अगर बिल्कुल छोटा लेता हूँ तो महीने दो महीने की छुट्टी लेके उसको थोड़ा जैसे थोड़ा बड़ा और थोड़ा ट्रेन टाइप का कर सकता हूँ। दैट्स द स्पिरिट। जी जी, धन्यवाद आपको, हम प्रेस कर रहे हैं आपको, डॉक्टर साहब भी खुश हैं आपकी इस जो। देखिए, जनरल बात यह है कि अगर आप एक पप लेते हैं तो दो महीने से छोटा मत लीजिए, पहली बात। और जिस तरह की आप सिचुएशन बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो एक बिल्ली पाल लीजिए, दैट इज बेटर, अ कैट इज बेटर, ठीक है। और अगर आप डॉग ही पालना चाहते हैं तो दो महीने का बच्चा लीजिए और कोशिश करिए। देखिए, फिर दो महीने की छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी, कोई दोस्त यार होगा जिससे आप बात कर सकते हैं, जो आपको बच्चा, आप सुबह अगर 8 बजे ऑफिस चले गए तो उस बच्चे को 12 बजे के आसपास फीड दे के कोई दे जाए। हाँ, मतलब ऑफिस से बीच में मैं आ तो सकता हूँ। हाँ, तो इस तरह हो सकता है, पर इसके लिए आपको एक छोटी ब्रीड रखनी पड़ेगी। आप एक बड़ा डॉग रख लो जो आगे चल के जिसको आप एक्सरसाइज नहीं देगा तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, घर में डैमेज करेगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम उसके साथ हो जाएगी, एग्रेसिव हो जाएगा घर, वो निकलने की एस्केपिंग टेंडेंसी होती है इन डॉग्स में, हर डॉग में होती है। तो ऐसी इस कंडीशन में वो एस्केप करने की कोशिश करेगा, चीज़ें काटेगा, गड्ढे खोदेगा और फिर वो घर घर खराब करेगा। इससे अच्छा कि अगर आप रियली सीरियस हैं तो दो महीने का बच्चा लीजिए, किसी जान पहचान से लीजिए जिसके माँ बाप की वैक्सीनेशन हो रखी हो, और फिर कोशिश करिए कि दोपहर में आपको फीड करें उसको। शुरू में बच्चे को 4 महीने तो कम से कम 4 बार घर में खाना देना पड़ता है, ब्रेकफास्ट, लंच, चाय और डिनर के टाइम, तो वो आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। तो यस, यू कैन थिंक ऑफ कीपिंग अ स्मॉल ब्रीड। जी, और फिर जैसे वो मतलब जैसे महीना दो महीना हो गया और फिर वो भी मतलब समझ गया कि हाँ मालिक इस टाइम पे नहीं होता और इस टाइम पे आ जाते हैं, वो सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। पर जैसे डॉक्टर आरटी शर्मा कहते हैं कि इससे अच्छा एक स्ट्रीट डॉग गेट पे पाल लो आप, उसको सुबह शाम आप खाना खिलाओगे तो आपकी सबकी सारी सारी प्रॉब्लम, आपका जो अकेलापन है, जब आप वापस आओगे तो आपको गेट पे मिलेगा, उसको पता है कि आपने 6 बजे आना, ही विल बी देयर। आप उसको उसको वैक्सीनेशन कराइए, नहलाइए धुलाइए, अपने पास आप उसके साथ समय व्यतीत करिए और फिर ये ही कैन स्टे इन द कोर्ट यार्ड। उसको बचपन से अडॉप्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको एक घर में लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे डॉक्टर। जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका सर। डॉक्टर जयसूद, वही बात पर आ रहा हूँ मैं कि बिहेवियर, आदतें, रिएक्शंस, ये सब बच्चों की जो परवरिश है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या आप जिम्मेदार मानते हैं जो पेरेंट्स हैं, अगर हमारे पेट्स को गलत आते हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं तो कौन जिम्मेदार? एक बात तो साफ है कि हम लोग कमांड देते हैं नो। एक आपका नया पेट आया है, वो भौंक रहा है, आप भी नो की कमांड में एक तरह से भौंक ही रहे हैं, तो फिर उसको लगता है ठीक है मैं भौंक रहा हूँ, वो भी भौंक रहा है, आप नो नो कर रहे हैं, वो भी भौंके जा रहा था, देयर इज नो पॉइंट। हम उसको गलत इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो बेसिकली आजकल तो क्या है, किताबें हैं, इंटरनेट है, आपके डॉक्टर हैं, आपको पढ़ना चाहिए और फिर साथ साथ में उस बिहेवियर को चेक करना चाहिए, तो बड़ा आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा क्लोज, एक बार बच्चा आपके घर में आता है तो क्लोजेस्ट फ्रेंड यू हैव एट प्रेजेंट फॉर दैट पापी इज अ वेटनेरियन। चलिए, ये तो हो गई पेरेंट्स की बात। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि डॉक्टर्स किस हद तक जिम्मेदार हैं अगर कोई पेट गलत बिहेव करता है, क्या उन्होंने ओनर को, उनकी भी कंट्रीब्यूशन होती है? अनिल जी, आप मानेंगे, हमारे पास ऐसे पेट ओनर्स आते हैं, वो बोलते हैं घर तो इतनी शरारत करता था आपके टेबल पे, तो ये कुछ भी नहीं कह रहा, तो हमारे पास जितने भी आते हैं सब आके सुधर जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। लेकिन बहुत से ऐसे डॉग्स, बहुत से ऐसे डॉग्स हैं जो टिमिड है, थोड़ा इनसिक्योर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी टेबल के नीचे छुप जाएगा या इधर छुप जाएगा, तो दैट तब हमें पता लग जाता है कि इसके घर में या तो इसको कोई बहुत इरिटेट कर रहा है, या इनको कोई बांध के रख रहे हैं, या कोई बड़ा डॉग ने इसको अटैक किया, तो ऐसे बिहेवियर चेंजेस। देन वी ट्राई टू कन्विंस ऑनर कि इसको ज़्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड करें, इसका ये जो इनसिक्योरिटी वाला बिहेवियर है ये थोड़ा हिल कम आउट ऑफ इट। जी चलिए, अपने व्यूअर्स को एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं डालमेशियन के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, बताएं इतने खूबसूरत बच्चे के और क्या खासियत है जो छुपी हुई है? बस इससे जब आप लेने जाते हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि ये बच्चा पैदाइशी सुनने में दिक्कत और आँखों में कमज़ोर हो सकता है। जी, तो जो डालमेशियन बच्चा शुरू में आता है वो बिल्कुल प्लेन वाइट होता है, उसमें स्पॉट्स नहीं होते,
कि आप लेने आते हैं तो मिनिमम स्पोर्ट्स वाला बच्चा लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स बढ़ते हैं। अगर आप पहले ही बच्चा ऐसा उठाते हैं जिससे पहले बहुत स्पोर्ट्स है, तो वो आगे चल के स्पोर्ट्स चिपक जाते हैं एक दूसरे से, वो खूबसूरती ख़राब करते हैं। तो एक वो कोशिश करिए, दूसरा चेक करिए कि उसको सुनाई ठीक से देता है, बहरा नहीं है और आँखें नीली होंगी तो चेक करिए उसको दिखाई देता है। उसके बाद या अगर समझ में नहीं आता तो वेटनेरियन चेक करें, पहली बात। दूसरा, इस डॉग को हम ऑफल्स नहीं देते, मतलब ऑर्गन मीट नहीं देते। अगर हम ऑर्गन मीट देंगे इसकी ज़िंदगी छोटी रहती है, क्योंकि ऊपर वाले ने एक एंजाइम है जो इनको नहीं दिया, हर डॉग होता है इसको नहीं, तो वो दिक्कत करता है। अदरवाइज डैलमेशन की एवरेज लाइफ स्पैन 16-17 साल है, और लिटर साइज जो है इन द सेंस कि बच्चे देता देता है वो भी 11-12 बच्चे देते हैं। और बस खूबसूरती की बात है कि जो बाल झड़ते हैं इसके वो ऑलमोस्ट 12 महीने झड़ते हैं, और दूसरे डॉग के बाल आप हाथ से झाड़ेंगे तो झड़ जाते हैं, डैलमेशन के लिए झड़ते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये बहुत साफ डॉग होता है। अगर आप जा रहे हैं और कीचड़ है तो कीचड़ के बच के जाएगा, अगर आपके साथ लैब्राडोर जा रहा है तो वो छप छप करते हुए जाएगा। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। तो यही तारीफें हैं, और हमें दो कलर की इंडिया में मिलते हैं, वन विद ब्राउन स्पॉट्स एंड ब्लैक स्पॉट्स। अपनी अपनी पसंद के हिसाब से लोग मिल लेते हैं। क्वालिटीज़ दोनों में सेम, आदतें दोनों में सेम, सब कुछ है। बहुत खूबसूरत बच्चा है, पुराने ज़माने में इसको हंटिंग के भी यूज़ कर सकते थे, हंटिंग इंस्टिंक्ट भी है। अगर आप उसको गार्ड डॉग बनाना चाहें तो आसानी से बना सकते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अपनी वेबसाइट का नाम, ईमेल एड्रेस हमारा जो है petcare.national@gmail.com। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए यदि आपके पास कोई अच्छे विजुअल्स हों, वीडियोस हों, फोटोग्राफ्स हों पेट केयर संबंधी, उसके बारे में आपको लगता हो कि कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस हों, वो आप हमें इस साइट पर भेज सकते हैं। दोबारा से आपको बता दें petcare.national@gmail.com, और अपनी पूरी डिटेल ज़रूर भेजिएगा और अपने बच्चे का नाम भी साथ में भेजिएगा, ताकि बाकी दर्शकों को हम बता सकें कि ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए। डॉक्टर शर्मा, कभी आपको लगा आपके पास कोई ऐसा केस आया कि एक ओनर ने एक बीमारी को उसकी आदत समझ के, उसका बिहेवियर समझ के छोड़ दिया, एंड दैट प्रूव टू बी फेटल? बहुत बार ऐसा होता है, जनरली जब हमारे डॉग सीनियर हो जाते हैं, जैसे बड़े डॉग हैं 7-8 साल का ग्रेट डेन है या जर्मन शेफर्ड है या किसी के पास सेंट बर्नार्ड है, तो वो हार्ड फ्लोर में रहते हैं सारी लाइफ। 7-8 साल के बाद उनके जो जॉइंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, तो जब जॉइंट्स वीक हो जाते हैं तो उन्हें आर्थराइटिक पेन होने लग जाती है, तो वो ज़्यादा उठना नहीं चाहता, जब जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहना चाहता है। ओनर अगर पास में से निकला वो एकदम काटने की कोशिश करेगा, अगर ओनर उसको चेन से खींच के घुमाने की कोशिश कर रहा है वो उसको इरीटेट होकर उसको काटता है, बिकॉज दे आर रिलक्टेंट टू वॉक बट इंटरनली दे आर हैविंग पेन। तो वो एक ओनर, एक समझदार ऑनर तो उसको समझ सकता है, लेकिन बहुत से ऐसे सेल्फिश ऑनर हैं जो समझते हैं कि ये पहले तो बहुत खेलता था, अब तो ये मैं उसके चेन भी पकड़ता हूँ तो भी काटने को भागता है, अब तो बाहर खेलता ही नहीं, बेड के नीचे छुपा रहता है, तो इसका ऐसे डॉग का क्या फ़ायदा, उसको फिर हमारे शेल्टर में छोड़ जाते हैं इसलिए कि वो हमारे साथ खेलता नहीं, हमारे साथ काटता है। लेकिन वो टाइम है आपका डॉग का, जब आपके डॉग को आपका टाइम चाहिए आपके लिए, लाइक यू शुड स्पेंड टाइम फॉर हिम। जो 7 साल आपके लिए खुशी देता रहा, वो जो अगले नेक्स्ट 2 या 3 साल हैं उस टाइम आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको अपने डॉक्टर को दिखाएं। आर्थराइटिक पेन हो सकती है, तो जॉइंट्स के लिए बहुत सी मेडिसिन आती हैं जो हम लोग देते हैं, जो इनिशियल स्टेज में पता लग जाए तो बहुत प्लेफुल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं डॉग। जी जल्दी से कॉल लेते हैं, यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं एक पेट लवर। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ सर। सर जल्दी से आपका नाम परिचय दे देंगे आप? मैं बलिया से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ से? बलिया से। बलिया से, जी जी बताएं क्या सलाह चाहते हैं आप? मेरे पास पेट है, वो पोमेरियन है और 2 साल का है वो। जी। और इसका बाल बहुत झड़ रहा है और शरीर में खुजली हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो डॉग है उसके बाल ज्यादा होते ही हैं, तो आप ब्रश करते रहें, और जब ब्रश करेंगे तो तब थोड़ा ध्यान रखें, बालों के नीचे छोटे छोटे जानवर होंगे लाइक कीड़े की तरह चलती हैं, फ्लीज बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो अगर फ्लीज हैं तो उसके लिए एंटी फ्ली एंटीटिक पाउडर आता है, उसे आप नहला दें, और एंटीटिक कॉलर्स आते हैं उसके गले में डाल दें। इस टाइम पे फ्लीज बहुत आती हैं जिसके कारण उनके बाल गिरने लग जाते हैं और वो खुजली करने लग जाते हैं, तो आप ब्रश कर दें और नहला दें, फिर अगले हफ्ते हम फोन करके बताइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी कोई और जानकारी लेना चाहेंगे आप? डॉक्टर सूज ये बताएं कि क्या मौसम बदलने के साथ भी कुछ ऐसे रिएक्शन या आदतें होती हैं जो हमारे पेट्स में बदल जाती हैं? गर्मी में कुछ अलग रिएक्शन दे रहा, सेम प्रॉब्लम के लिए सर्दी में अलग रिएक्शन दे रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता।
पर हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जो जिस घर में रह रहे हैं उसके अंदाज हिसाब से चेंज हो जाता है जी। अगर आप देखेंगे कि अगर आपके घर में किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है, ऊंची आवाज में बात हो रही है, तो आप अपने पेट का रिएक्शन देखिए। कई बार तो वो हमारे पेट्स बीच में इंटरफेयर करके बोलते हैं कि बहुत हो गया, लड़ाई करनी जरूरी, स्टार्ट्स बाकी। तो वो बात है कि हमारा पेट इज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमारे साथ ही रहता है, हमारे साथ जीता है, तो उसी तरह से हो जाता है। मौसम का फर्क पड़ता है, सर्दियाँ आती हैं तो वो कोने में बैठने लगता है, जैसे एक वो पेट आराम से पैर टांग ऊपर उठा के सो रहा था, इट वाज अ गुड क्लाइमेट फॉर हिम, ग्रेट डेन था, आराम से सो रहा था, उसको अक्टूबर नवंबर के मौसम में अगर गर्मी होती तो हाफ रहा होता बैठ के। जी जी चलिए, अब हमारे जो वक्त है अब कार्यक्रम का खत्म होने को, हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। आप दोनों ने, डॉक्टर आरटी शर्मा, डॉक्टर अजय सूद, आपने इतना कीमती वक्त दिया और उससे भी ज़्यादा कीमती सलाह दी जिसका फ़ायदा हमारे पेट लवर्स और पेट ओनर्स उठाएंगे। आप दोनों का हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जाते जाते आपको याद दिला दें, यदि आपके पास कुछ अच्छे वीडियोज़ हों, विजुअल्स हों, फोटोग्राफ्स हों, तो आप हमें भेज सकते हैं petcare.national@gmail.com पर। और जो आज हमारे दर्शक, हमारे पेट लवर्स, पेट ओनर्स हमारे एक्सपर्ट से ना संपर्क कर पाए हों, मायूस ना हों, क्योंकि अगले हफ्ते इसी समय इसी दिन हम कुछ और जानकारियों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बेटा फागुन में हुई थी तू।